वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इसराइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे।